आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है कि इसी साल दिसंबर के महीने में हमें 10 आईपीएल टीमों के साथ मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। और मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई नियम भी बना चुका है कि मेगा ऑक्शन के लिए एक टीम केवल 4 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 4 ही प्लेयर्स रिटेन हो पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन के लिए क्या नियम तैयार किए हैं, आज कौन कौन से नियम बीसीसीआई ने लागू किए, इसके साथ ही मेगा ऑक्शन में आखिर टीमें कौन कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। आपको इस वीडियो में सभी टीमों के सभी 4 प्लेयर्स के नाम बताए जाएंगे जिनको टीमें रिटेन करने का मन बना चुकी है। तो कुल मिलाकर आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं मेगा ऑक्शन के नियमों की, इसके बाद आपको बताएंगे सभी टीमों ने कौन कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करने का फैसला लिया। तो बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि मेगा ऑक्शन दिसंबर के महीने में हमें देखने को मिलेगा और मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों के पास 90 करोड़ का पर्स बैलेंस होगा। 90 करोड़ में सभी टीमों को 25 मेंबर का एक नया स्क्वाड बिल्ड करना होगा, यानी आज की तारीख में जो टीमों के पास प्लेयर है वो सारे प्लेयर्स छोड़ने होंगे। इनमें से केवल 4 प्लेयर्स को टीमें रिटेन कर पाई और खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि आरटीएम कार्ड को अब मेगा ऑक्शन से समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर सारी टीमें 4-4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। इसके बाद टीमों को ऑक्शन में कोई भी आरटीएम कार्ड नहीं मिलेगा, यानी ऑक्शन में आने वाले प्लेयर्स पर यहाँ पर सारी टीमें बोली लगा सकती, उनको परचेस कर सकती है। अब बात करते हैं सभी 8 टीमें आखिर कौन कौन से 4 प्लेयर्स को यहाँ पर हमें रिटेन करती हुई दिखी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसके की टीम की, तो सीएसके की तरफ से जो खबर है उसके अकॉर्डिंग एमएस धोनी को, सुरेश रैना को, इसके साथ ही रविंद्र जडेजा, फेब डुप्लेसिस को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि सैम करन को भी ये टीम रिटेन कर सकती है, लेकिन आईपीएल में इंग्लैंड के प्लेयर्स ज्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसी वजह से शायद टीमें इंग्लैंड के प्लेयर्स पर ज्यादा पैसा ना लगाए या फिर उनको रिटेन ना करें। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर सीएसके की टीम का इन प्लेयर्स को रिटेन करने वाला सही फैसला होगा या फिर नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो मुंबई इंडियंस की टीम तो 100% कंफर्म कर चुकी है कि कप्तान रोहित शर्मा को, वाइस कैप्टन काइरन पोलार्ड को, इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह को, हार्दिक पांड्या को ये टीम रिटेन करेगी। कुल मिलाकर ये 4 प्लेयर्स एमआई की तरफ से रिटेन होंगे, 100% तय हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी लगभग तय कि यहां पर सुरेश अय्यर को, ऋषभ पंत को, इसके साथ ही शिखर धवन को और खगेश्वर रबाड़ा को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि हो सकता है कि ये टीम किसी और प्लेयर को, यानी पृथ्वी शो को भी रिटेन करने के बारे में सोचे, लेकिन ये 4 प्लेयर्स हमें इस टीम की तरफ से लगभग रिटेन होते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने कप्तान संजू सैमसन को, इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर को, बेन स्टोक को और जोस बटलर को यहाँ पर रिटेन करेगी। ये टीम इकलौती वो टीम हो सकती है जो कि 3 विदेशी प्लेयर्स रिटेन कर ले। हालांकि शायद अगर बीसीसीआई इनको अलाउ ना करे तो ये टीम शायद बेन स्टोक को यहाँ पर रिलीज ना करके किसी इंडियन प्लेयर को रिलीज कर ले। तो कुल मिलाकर अगर 3 विदेशी प्लेयर अलाउ होते तो राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 विदेशी प्लेयर्स को रिटेन करेगी, अदरवाइज ये टीम 2 इंडियन 2 विदेशी प्लेयर्स को रिटेन करेगी, जो कि बीसीसीआई ने नियम बना दिया। टीमें या तो 2 विदेशी प्लेयर को या फिर 2 इंडियन प्लेयर को या फिर 3 इंडियन प्लेयर को और 1 विदेशी प्लेयर को रिटेन कर पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम आंतर असल को रिटेन करेगी। हालांकि हो सकता है पैट कमिंस को रिटेन कर ले और दिनेश कार्तिक को भी रिटेन कर ले, जबकि शुभमन गिल का तो इस टीम की तरफ से रिटेन होना था। तो कुल मिलाकर केकेआर की टीम की तरफ से ये 4 प्लेयर्स हमें रिटेन होते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की तरफ से कप्तान केएल राहुल, इसके साथ ही मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई हमें कंफर्म रूप से रिटेन होते हुए दिखेंगे। इन प्लेयर्स को छोड़कर ये टीम किसी भी प्लेयर में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। इसके बाद बात करते हैं आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम के लिए इस साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए अब रिटेंशन प्रोसेस में काफी अधिक समस्याएं होगी, जहां पर विराट कोहली को, इसके साथ ही एबी डिविलियर्स को, युजवेंद्र चहल को और काइल जेमिसन को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि देवदत्त पाडिकल को लेकर भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी, देवदत्त पाडिकल, ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर्स इस टीम के लिए समस्या खड़ी करेंगे, लेकिन ये 4 प्लेयर्स मोस्ट लाइकली ये टीम रिटेन करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिर में हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम यहाँ पर केन विलियमसन को, राशिद खान को, इसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार को और टी नटराजन को रिटेन करेगी। हालांकि हो सकता है अब्दुल समद को ये टीम रिटेन कर ले। डेविड वार्नर को रिटेन करने से इस टीम ने लगभग मना कर दिया।
कुल मिलाकर। अब डेविड वार्नर ऑप्शन का भाग होंगे, हो सकता है 9वीं 10वीं टीम के वो कप्तान बन जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम को कौन से प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, आप इस वीडियो से सहमति रखते हो या फिर नहीं, आपको कौन सी टीम की एनालिसिस अच्छी लगी आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।